न्यूज प्लस के साथ मैं हूँ करतलाइन बख्श और मैं हूँ रुबाब बख्श। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जाम पर पाकिस्तान का करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद अफवाज सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ट्रंप के इल्जाम मन घड़त बेबुनियाद और जमीनी हकाइक के मनाफी हैं। अमरीकी इल्जाम पाकिस्तानी कुर्बानियों की नफी करने के मुतरादिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम, कहते हैं 41 मुस्लिम ममालिक का फौजी इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अभी इस इत्तेहाद के टीओआर होना बाकी है। ईरान और सऊदी अरब में जंग नहीं होने देंगे, ईरान और सऊदी अरब के हवाले से खारजा पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का बंदियों के कानून की मंजूरी का खैर मुकदम। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं आईनी बहरान से बचने के लिए हमने बिल की हिमायत की है, नवाज शरीफ अदलिया की मुखालफत में और हम हिमायत में मुहिम चलाएं। एमकेएम की तरह मुस्लिम लीग नून के भी कई हिस्से हो चुके हैं। पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जानिब से मिस्बत रवायात की शुरुआत। चीफ जस्टिस का लाहौर के मियो अस्पताल का हंगामी दौरा। अस्पताल के मयार और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों का भी जायजा लिया। कहते हैं बुनियादी हकूक की फरामी सुप्रीम कोर्ट की अबदीन तरजीह है। सेहत और तालीम की सहूलतों के लिए अदालत इंतजामिया के साथ है। नवाज शरीफ कहते हैं तराजू इंसाफ का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। ओपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का रद्द अमल, कहते हैं कहीं मियां साहब कोई नई सियासी जमात तहरीक अदल पार्टी तो नहीं बना रहे। इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए, इदारों का टकराव मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जहांगीर तरीन की नाइली के बाद कौमी असेंबली में हल्का एक 144 की नशिश, नए मेंबर कौमी असेंबली के लिए मुंतशिर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एनए 144 के जमीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। नशिश पर पोलिंग 12 फरवरी 2018 को होगी, जबकि कागजात नामजदगी 26 से 28 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकेगी। काबिज दहशत गर्द भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में एक खातून समेत 3 कश्मीर नौजवानों को शहीद किए जाने के बाद आज मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल। मकबूजा कश्मीर में मामूलात जिंदगी मुअत्तल, हड़ताल और मुजाहिरों की कॉल के बाद हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल खिलाफा बनाने की मुखालफत करने वाले ममालिक को अमरीका दयाने धमकाने पर उतर आया। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को धमकी आमेज खतूत। अफवाह मुकद्दस के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी निकी हेले की वार्निंग। कहती है जनरल असेंबली इजलास के दौरान अमरीकी फैसले की मुखालफत करने वाले ममालिक और एक एक वोट का हिसाब रखा जाएगा। बरतानिया में क्रिसमस पर दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम, 4 मशकूक अफराद गिरफ्तार। आर्मी बम डिस्पोजल टीम ने चेस्टर फील्ड से 31 साल मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके करीबी घरों को खाली करा दिया। शैफलेग में भी इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स ने छापों के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लंदन भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गयी। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आइंदा 4 सालों में इंतहाई कम तादाद में मैचेस रखने का मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुन ली गई। आईसीसी ने फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर नजरसानी मुकम्मल। पाकिस्तान के लिए वनडे टेस्ट और T20 मैचेस की तादाद बढ़ा दी गई। अब पाकिस्तान आइंदा 4 सालों में टेस्ट मैच 47, वनडे और 48 T20 मैच खेलेगा। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात शामिल करेंगे लेकिन इस न्यूज ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।